मुनव्वर फारूकी के सामने विक्की भैया ने आयशा को लेके एक बड़ा खुलासा किया है। अब ये चीज़ घर के अंदर बैठे हुए लोगों को ज़्यादा समझ में आती है या बाहर बैठे हुए लोगों को ज़्यादा समझ में आती है, पर घर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि मुनव्वर, विक्की, ऐसे लोग हैं जो कि घर के अंदर बहुत नज़दीक से जो है उस सिचुएशन को देख रहे हैं। तो जो लोग बाहर बातें करते हैं वही जो है विक्की बता रहे हैं मुनव्वर को। मुनव्वर ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो मुनव्वर भी जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। मुनव्वर पहले भी सबके सुनते थे, करते अपने थे और ये चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी लेते तो उनको जो है काफ़ी काम आती है। विक्की ने जो है सब चीज़ें बताई आयशा के बारे में और ये भी चीज़ बताई कि ये जो आयशा है ना, ये नॉन स्टॉप सिंपथी कार्ड प्ले कर रही है, सिंपथी कार्ड खेल रही है। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, ऐसी बीमार बेचारी बनी है ना, अगर इसके अगेंस्ट कुछ करना हो तो पता नहीं कुछ अलग एंगल में ही लेना जाए। ये बात जो है अब विक्की भैया ने बोली है। सही बात है, ये बहुत ही मतलब कि बीमार है, ये खिचड़ी खाना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। एक अगर इतनी ही बीमार है तो यहाँ पर आई क्यों? अगर ये बीमार है तो या तो फिर बिग बॉस को प्रोवाइड करना चाहिए खाना, उसको बिग बॉस को पैम्पर करना चाहिए। घर वाले क्यों इसको खाना बना के दें, इसको पैम्पर करें या इसकी सब चीज़ें सहें? तो जो भी चीज़ है वो बिग बॉस को करनी चाहिए। या तो अगर बीमार है तो फिर भाई अपने घर जाके ट्रीटमेंट ले, यहाँ पर क्यों बैठी है? ये सब चीज़ें जो है मेरी माइंड में आती हैं और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और विक्की या कोई भी यही चीज़ सोच रहे हैं कि अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे ना तो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ अलग एंगल में जा सकती है क्योंकि ये सिंपथी ले रही है, बाहर लोग जो है बोलेंगे। मैं तो बस यही बात बोलती हूँ कि भाई जिसको बोलना ना वो तो बोलेगा, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हमेशा। क्योंकि जैसे मैं आयशा खान के बारे में बुराई करती हूँ, लोग मेरे बारे में बुराई करने लग जाते हैं। वो आयशा खान को पसंद करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, मुझे गालियाँ देते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनको खुश नहीं कर सकती हूँ। मेरी जो सच्चाई है मैं वही बोलूंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।